हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अपनी पढ़ाई में हेल्प मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है और इनके क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, कि मैंने जो भी 3 वीडियोस केमिस्ट्री में अपलोड की है फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो कि केमिस्ट्री के 3 चैप्टर की हैं, तो अभी मेरे साइंस के एग्ज़ाम भी हो गए हैं, और जो भी मैंने पॉइंट्स उन तीनों चैप्टर्स में बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने चैप्टर 3 में आपको बताया था कि एलॉय जो होता है वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ये आया था मेरे एग्ज़ाम में। फिर चैप्टर 2 से आया था कि वाटर को सॉफ्ट कौन से सोडियम सॉल्ट से किया जाता है, तो आपको पता ही होगा, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से वो सॉफ्ट किया जाता है वाटर को। फिर ऐसे ही मुझसे पूछा गया था कि क्लोरोअल्कली प्रोसेस से क्या फॉर्म होता है, तो आपको पता ही होगा कॉस्टिक सोडा। तो ये सब बातें फ्रेंड्स, तो अगर आपके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और वो 3 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आपने वो वीडियो को नहीं देखी, तो जाकर उसे जल्दी से देखिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो देखिए जो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनका जो जो एम होता है वो होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब उनका ऑक्टेट पूरा हुआ होता है, मतलब वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है, तो सारे चीज़ स्टेबल होना चाहते हैं सारे एलिमेंट। तो यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में ही मोस्ट सारी चीज़ें कार्बन के बारे में ही पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन का जैसे कि एटॉमिक नंबर होता है 6 फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड होता है सेल में, तो पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4, तो ये एक स्पेशल केस आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कार्बन को अपने वैलेंस सेल में ऑक्टेट उसको अगर अपना पूरा करना है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे दूसरे एटम्स में से। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने की, लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो वो बीच का रास्ता अपनाता है, वो बीच का रास्ता क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, यानी कि उसका जो सिर्फ उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वैलेंस में, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा। ठीक है, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसके लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने छोड़ने होंगे, यहाँ पर लिखा भी गया, जिसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तभी वो छोड़ेंगे। और इसीलिए अगर जो CH4+ हमारा जो आयन, मतलब जो कैटायन हमारा फॉर्म होगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की नंबर सेम होगी। ठीक है, 6, 6, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आप हटा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर जो होगी 2 हो गई और प्रोटॉन के 6 ही रह गए, तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा केस मैंने आपको बताया कि अगर ये 6-4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो C4- आयन बनेगा, ये भी काफ़ी अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने बीच का रास्ता अपनाता है, और जो ये कार्बन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, और जो भी कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, उन्हें हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या, कार्बन शेयर्स ऑल 4 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं फ्रेंड्स, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करता है, आयोनिक, कोवेलेंट, किस तरह के, तो आप कोवेलेंट लिख दीजिएगा, तो आपको आराम से वहाँ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई फ्रेंड्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाली, तो इसको टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मीन्स, तो आपको पता ही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है फ्रेंड्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो प्राइमरली होता है। ठीक है, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे कि NaCl ये आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो इसमें Na जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन प्राइमरली Cl को दे देता है। ठीक है, और Cl के पास नेट निगेटिव चार्ज हो जाता है, Na के पास नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो परमानेंटली अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पर शेयरिंग नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक, देखिए
आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स दोनों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है, और इसी से जो अपोजिटिवली चार्ज आयन्स है एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अपोजिटिवली चार्ज मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज की स्ट्रांगली होल्ड इसी ले रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया कि आयनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आयन से बनते हैं तो इसलिए सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उनका, जैसे कि NaCl सॉल्ट हो गया तो आपने देखा ही होगा वो सॉलिड होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है फ्रेंड्स, दोनों हाई होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा है बीच में दोनों के, तोड़ने के लिए काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ हीट लगेगी इसीलिए ये ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत अच्छे से जब मेल्ट होते हैं, मेल्ट होते हैं तो आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और आयन्स बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आर मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्ट, ये ज़्यादातर वाटर में सॉल्यूबल होता है, जैसे NaCl भी सॉल्यूबल होता है वाटर में, पोलर सॉल्वेंट, पोलर वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। चलिए अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है फ्रेंड वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करने से बनता है दो एटम्स के बीच में, ठीक है। प्राइमरली इसमें शेयर नहीं किए जाते हैं, टू सेम नॉन मेटालिक एटम और यहाँ पर नॉन मेटालिक एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सेम नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में फ्रेंड्स ये कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, जैसे कि O2 हो गया हमारा, ये मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो टू माइनस और प्लस O2 माइनस, ये हमारा सेम नॉन मेटालिक एटम हो गया, और बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब एक अपना हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं O2 माइनस और प्लस एक अपना सल्फर ले लेते, सल्फर की भी वैलेंसी सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू नेगेटिव, सल्फर की भी वैलेंसी होती है फ्रेंड्स टू, तो यहाँ पर ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं -2 -2, तो इनके बीच में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। इनके बीच बनता मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे जितने भी नॉन मेटालिक आइटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग कार्बन की फ्रेंडलीनेस के बारे में, कार्बन काफ़ी फ्रेंडली होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे एटम्स या एलिमेंट होते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बनता है, कार्बन के इतने सारे बॉन्ड्स हैं फ्रेंड्स जिनका नोमेनक्लेचर करना भी काफ़ी मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कैटनेशन होता है फ्रेंड्स ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये जो होते हैं कार्बन का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स कार्बन काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, और इसी छोटे साइज़ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड इन्हीं सब के मदद से उसकी जो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन वो आती है, ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी मैंने आपको ऊपर बताया और कैटेनेशन, ठीक है, इन्हीं दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के कारण कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स बना पाता है, ठीक है, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ बॉन्ड्स बनाता है फ्रेंड्स कार्बन, ठीक है, इतने बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं वो, ठीक है। कैटेनेशन के बारे में बताऊँ, कैटेनेशन ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स ये कार्बन की, ठीक है, कार्बन की स्पेशलिटी, तो कार्बन इसमें दूसरे एटम्स के साथ लिंक करता है, देखिए यहाँ पर एन एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म स्टेट और ब्रांच चेन, तो कार्बन जो होता है फ्रेंड्स वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स या दूसरे एटम्स के साथ सेम एलिमेंट के, चाहे दूसरे एलिमेंट के, और स्ट्रेट ब्रांच रिंग्स ये सब डिफरेंट साइजेज होते हैं, ठीक है। इट इज़ शोन बाय कार्बन सब फ्रेंड्स सी बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसिड की, ठीक है, एसिड ये नेटिव स्टेट होता है फ्रेंड्स सल्फर का, ठीक है, सल्फर शो कैटेनेशन, कैटेनेशन सल्फर भी शो करता है अप टू एट एटम्स टू फॉर्म एसिड मॉलिक्यूल, इट हैज़ पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, तो ये देखिए एसिड का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये कैटेनेशन सल्फर भी शो करता है लेकिन सिर्फ 8 एटम्स तक, उसके पास लिंकिंग पावर रहती है सिर्फ 8 एटम्स तक, लेकिन कार्बन की कितनी लिंकिंग पावर है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा मिलियंस तक उसकी लिंकिंग पावर है, ठीक है, देख लीजिए उसका ये सल्फर एसिड का ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, आप इसे अच्छे देख लीजिए फ्रेंड्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या, ठीक है, इसे लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं फ्रेंड्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या था फ्रेंड्स हम लोग डायग्राम के मदद से दिखाते हैं कि कैसे एक कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है दो एटम्स के बीच, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है एलिमेंट जो होता है फ्रेंड्स हमारा वो सेंटर में रहता है, ठीक है, और उसके आजू बाजू इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो डॉट है यहाँ पर कार्बन के अराउंड 4 डॉट्स यानी कि 4 इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रहते हैं, यहाँ पर बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर तो इसके 2 एटम्स होते हैं वो वैलेंस सेल में होते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं वैलेंस सेल में, और ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसके 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
अब बात करते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम लोग, कैसे बनता है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन H2N2NO2। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड जो कि हमारा H2 होता है, यही इसका स्टेट होता है, इसी स्टेट में ये हमारे एटमोसफियर में पाया जाता है। तो ये जो इसकी जो मतलब फॉर्म इसका जो तो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, ठीक ना, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, वो बता दूँ क्यों। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स 1, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। इसको वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे 2 हो सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दो हाइड्रोजन साथ में आते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इससे हमारे पहले हाइड्रोजन को भी मिलेगा और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को भी मिलेगा, तो दोनों शेयर करके मतलब स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए H2 काफ़ी स्टेबल फॉर्म होता है हाइड्रोजन का। देखिए, इच हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिक्वायर्स 1 मोर टू नियरेस्ट नोबल हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने आपको बताया। देखिए, ये हमारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों जुड़े। तो यहाँ पर देखिए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब कि टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो जो दो रहते हैं वो दूसरे ऑक्सीजन से दो शेयर करता है। ठीक है, वो अपने भी दो उसको देता है और उससे भी दो लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों में दो दो आ गए। देखिए, अब बता दूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए नियॉन की उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखना। तो पहले 2 थे तो सिंगल बॉन्ड बना था हमारा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को दिए, तो इससे इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, तो इसमें ये भी स्टेबल हो गया और ये भी, इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को दिए, तो ये भी स्टेबल हो गया। और ये हमारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के, ये अपनी जगह पर रहे। ठीक है, इनका कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो इससे डबल बॉन्ड बनता है। और जो नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कैसे, देखिए। तो नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है फ्रेंड्स वो 7 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, अपने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है और दूसरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, ये इसने दूसरे के साथ शेयर किए और इस वाले नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर किए, तो जिससे, तो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रेंड्स हमारा तो सिंगल बॉन्ड था, जब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो हमारा डबल बॉन्ड बना, और जब हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए फ्रेंड्स तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, चलिए, तो इतनी ही बातें थी फ्रेंड्स बॉन्ड्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, और उनकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं फ्रेंड्स वो 2 एटम, मतलब 2 एटम से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है दो एटम्स के बीच में। ठीक है, डबल बॉन्ड फ्रेंड्स दो एटम्स के बीच में जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो डबल बॉन्ड बनते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो दो एटम्स के बीच जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक एटम 3 शेयर करता है, दूसरा एटम भी 3 करता है, तीनों में दोनों मिला के 6 हो जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन से हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि किस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं किसको, तो जो भी ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ लगती है उसे ही हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड होती है फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया, देखिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, उसके ज़्यादा सिंगल बॉन्ड के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, सबसे कम स्ट्रेंथ किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी, सिंगल बॉन्ड के लिए। सबसे ज़्यादा किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी स्ट्रेंथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, ठीक, ये हम लोगों को बताता है कि जो तीसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी वो हाइयर है डबल और सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड की लेंथ के बारे में बात करें, तो ये जो यहाँ पर आपने जो ये देखा ना ये ऑर्डर, तो ये अपोजिट हो जाता है लेंथ के मामले में। अभी तो स्ट्रेंथ के मामले में ट्रिपल बॉन्ड में से ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में, लेंथ में ये अपोजिट होता है। देखिए,
ये जो लेंथ होती है फ्रेंड्स, हम लोग कैसे पता करते हैं मतलब लेंथ कैसे होती है, ये बिटवीन जो डिस्टेंस होती है फ्रेंड्स न्यूक्लियर दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस की, उससे उससे हम लोग बॉन्ड की लेंथ बोलते हैं। जैसे कि मान लिया कि इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ है और इस एटम का न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो लेंथ होगी इसी को हम लोग इसी से बॉन्ड लेंथ का हम लोग अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे देखेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जो सबसे छोटी होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी उसके थोड़ी बड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड की उससे बड़ी सबसे बड़ी होती है। तो ये फ्रेंड्स ऐसे आप इसको लिख नहीं सकते कि सिंगल बॉन्ड की आप ऐसे बना दीजिए अपनी कॉपी में, डबल बॉन्ड्स की ऐसे बनाइए और ट्रिपल बॉन्ड्स की इससे भी छोटी कर दीजिए, ऐसे नहीं। आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड्स है फ्रेंड्स, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ आपको सबसे लंबी लगेगी, डबल बॉन्ड्स की उससे छोटी और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर रिवर्स कर जाता है, यहाँ पर ये ऑर्डर। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ NOH एंड पोलैरिटी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और पोलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्डिंग अभी बताएगा आपको। तो अमोनिया जो NH3 होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है, थ्री हाइड्रोजन एटम शेयर वन वन इलेक्ट्रॉन ईच विथ नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर थ्री कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे, कैसे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने वैलेंस शेल में। ठीक है, और नाइट्रोजन को तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो हाइड्रोजन है अगर वो एक एक देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस ये हाइड्रोजन भी एक देता है, ये हाइड्रोजन भी एक देता है, ये हाइड्रोजन भी एक देता है, तो टोटल तीन होते हैं। अगर यही तीन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा रहता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। ठीक, और वैसे ही इस हाइड्रोजन को भी तीनों हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन इन तीनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, जिससे इन चारों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है फ्रेंड्स। और इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेते नाइट्रोजन, ये अपना अलग ही रहते हैं। मेन ये नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है इसमें। ठीक है, तो ये NH3 का फ्रेंड्स ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये NH3 का। ठीक है, अमोनिया इज वन लोन पेयर, इसके पास एक ही अकेला लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब देखिए ये जो पेयर है ना फ्रेंड्स, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, तो ये अकेला है। ठीक है, ऑल थ्री NH कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, जितने भी जो NH नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं। और नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन के इसमें, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन अगर अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है हाइड्रोजन से, ठीक है, तो उसके पास तो थ्री नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है नाइट्रोजन से, तीनों हाइड्रोजन, तो ये सबके पास तो -1 चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते जो भी एटम्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नाइट्रोजन के पास होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा इसको। अब देखिए हाइड्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन से दूर है, जबकि नाइट्रोजन के ये सभी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के काफ़ी क्लोज हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसी के ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और द कॉज एंड एन एटम टू एक्वायर स्लाइट, तो इसी से जो नाइट्रोजन एटम होता है फ्रेंड्स उसके पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और एच एटम्स के पास हाइड्रोजन एटम्स के पास स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इसी तरह फ्रेंड्स H2O हाइड्रोजन एटम मतलब वाटर की भी बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वैसे ही सेम होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 6, तो इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये दो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पूरा हो जाएगा, और ये भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, शेयर करता है इन हाइड्रोजन के साथ, तो तीनों स्टेबल हो जाते हैं। और इसमें जो लोन पेयर्स ऑफ होते हैं वो दो होते हैं, जैसे देखिए ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन का, ये दो पेयर लोन होते हैं, और नाइट्रोजन अमोनिया में एक पेयर लोन था। ठीक है, ये भी पोलर इन नेचर होता है, OH के भी जितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं पोलर इन नेचर होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज़्यादा, इसीलिए सारे एटम्स देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज और हाइड्रोजन दूर है, ये ऑक्सीजन को स्लाइट नेगेटिव चार्ज दे देता है और हाइड्रोजन को स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दे देता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ये हमारा मेन चीज़ है कार्बन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए जो मीथेन होता है फ्रेंड्स वो सबसे मतलब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फ्रेंड CH4, जो कि कैसे बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के शेयर किए जाते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, जैसे कि देखिए इस फिगर में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 4। ठीक है, तो इसे हम चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए,
देखिए यहाँ पर दो इसके पहले के शेल में इसके दो है और चार इसके एम शेल में कि मतलब एल शेल में। तो अब ये चार हाइड्रोजन से जब एक एक एटम शेयर करेगा तो इसके तो वैलेंस सेल में चार और आ जाएंगे तो आठ हो जाएगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा ये स्टेबल हो गया। फिर ये जो चार एटम्स आपको दिख रहे हैं ये चारों जो मतलब जो ये चार इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं चारों ये हाइड्रोजन को शेयर करेगा, जिससे हाइड्रोजन भी सारे स्टेबल हो जाएंगे। तो इससे हमारा एक स्टेबल कोवेलेंट कंपाउंड बनता है पहला, जिसका नाम है मीथेन, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन का कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर शेयर होने के बाद जैसे कि बताया था कि के शेल के तो दो दो है ही, उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से ये एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन, फिर इससे भी एक इससे, तो इसका ऑक्टेट पूरा इन दोनों का इन चारों का भी दो दो पूरे हो जाता है, तो फिर ये भी स्टेबल हो जाता है, जिससे स्टेबल CH4 का फॉर्मेशन होता है। MPBP एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड्स के मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मॉलिक्यूल से बनते हैं तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर कंपाउंड ही रहेंगे, किसी भी स्टेट में हो सकता है गैस लिक्विड सॉलिड। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है फ्रेंड्स वो वीक होती है, ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि आयोनिक कंपाउंड और ये कोवेलेंट कंपाउंड में किसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है। तो आपको पता है आयोनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है, कोवेलेंट में कमज़ोर होती है। ठीक है इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी लो होता है। तो जैसे जाहिर सी बात अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कमज़ोर है तो कम एनर्जी में ही वो टूट जाएंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। ठीक है आयनिक बॉन्ड का हाई होता है आपको पता है, एज पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन ऑल फेज, ये काफ़ी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है लेकिन सोल्यूबल होते हैं, आर मोस्टली सोल्यूबल इन नॉन पोलर लिक्विड, ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर लिक्विड्स में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर पोलर में आता तो वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कुछ हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले एलोट्रॉप ही क्या होती है, तो फेनोमेना होती है फ्रेंड जो सेम एलिमेंट होता है वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखिए डिफिनीशन इसका आप लिख लीजिए, आ सकता है एग्जाम में आपके। जैसे कि कार्बन का बेस्ट मैं आपको एलोट्रॉप बताऊंगा तो डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो डायमंड की प्रॉपर्टी से तो आप सभी को पता है वो काफ़ी स्पार्कल करता है, काफ़ी रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है। और दूसरा कार्बन आता है ग्रेफाइट, तो ये कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट काफ़ी स्लिपरी होता है फ्रेंड्स और ब्लैक होता है। ठीक है तो ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है कार्बन की, तो ये एलोट्रॉप्स हो जाते हैं कार्बन के। और तीसरा फ्लोरीन का इसका पूरा नाम होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन C60, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तीनों के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो कार्बन सल्फर फॉस्फोरस ये सब जो होते हैं एलोट्रॉफी मतलब एलोट्रॉफिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है क्रिस्टलिन जो एलोट्रॉप्स होते हैं मतलब मजबूत जो मतलब सॉलिड एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं डायमंड्स ग्रेफाइट फ्लोरीन। एमोरफस एलोट्रॉप, एमोरफस का मतलब होता है जिसका जो शेप है फिक्स ना हो, जैसे कि कोल का तो शेप फिक्स नहीं है, आप उसको तोड़ के छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। कोक ये भी एक कार्बन प्रोडक्ट है, चारकोल लैम्प ब्लैक गैस कार्बन, ये सब कार्बन के एम्फोरस एलोट्रॉप्स। आपसे पूछ सकता है कि एम्फोरस एलोट्रॉप्स या क्रिस्टलिन एलोट्रॉप्स के बीच में अंतर क्या है, कि दोनों के एग्जांपल्स देखिए तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो डायमंड के बारे में आप देखते हैं, तो डायमंड हैज़ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री, तो टेट्राहेड्रॉन का फिगर आपने शायद देखा होगा, टेट्राहेड्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, ये एक ट्रायंगल होता है फ्रेंड जिसकी ऐसा दिखता है। ठीक है इसमें क्या बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और इसी कारण से जो हर कार्बन एटम होता है वो दूसरे चार कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है। कैसे, ये कार्बन एटम है, ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन मतलब, ठीक है तो और ये हमारा पांचवा, तो ये एक कार्बन हमारा फ्रेंड्स ये चार अलग अलग कार्बन के साथ लिंक्ड है। ठीक है तो ये हमारा एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है डायमंड को, इसीलिए डायमंड इतना स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद और दूसरा कार्बन भी इससे लीक होगा, फिर ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ऐसे करके ये बनते जाते हैं। ठीक है चलिए तो ठीक है, सिंगल यूनिट क्रिस्टल बना देते हैं इसको। ठीक है और ये 3 डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न में डायमंड होता है। डायमंड के बारे में देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई, डायमंड काफ़ी डेंस होता है। ठीक है हाई डेंसिटी होती है उसकी, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है काफ़ी हाई डेंसिटी होती है फ्रेंड डायमंड का। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी हाई होता है, 2.5, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फ्रेंड्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोग अपने लाइट चैप्टर में करने वाले हैं आगे। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं फ्रेंड्स, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने मेटल नॉन मेटल में देखा था कि डायमंड जो होता है ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है।
ग्रेफाइट की बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्रेफाइट में क्या होता है फ्रेंड्स, ईच जो हर कार्बन आइटम होता है बॉन्डेड होता है थ्री अदर कार्बन आइटम्स के, ठीक है, लिविंग ईच कार्बन आइटम विथ वन फ्री वैलेंस, ठीक है, और एक कार्बन आइटम को छोड़ देता है। और ये हेक्सागनल एरे में क्या बोलते हैं अरेंज होते हैं, और ये एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इनका जो शेप होता है वो ऐसे स्टैक्ड होते हैं। इसे आप ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में होता तो आप लिखते जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मतलब कि वो भी ऐसे ऐसे ही होती है, ठीक है, तो वो बात है। और जो उसकी देखिए रिंग्स मतलब कि ईच थ्रू वीक वैन देयर वॉज फोर्स, तो ग्रेफाइट के जो एटम मतलब कार्बन के एटम्स के बीच जो फोर्स होती है उसे वैन देयर वॉज फोर्स बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी वीक फोर्स है, इसका नाम आप लिख दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैन देयर वॉज फोर्स। इसकी भी डेंसिटी हाई होती है फ्रेंड्स, 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉफ्ट होता काफ़ी और स्लिपरी भी फील करता, ठीक है, देखते हैं ना पेंसिल आप स्मूथली आप पेंसिल से लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से कंडक्ट करता। C60 यानी कि बकमिंस्टर फुलेरिन, हमने ऊपर फुलेरिन देखा था ना वो C60 है, ये कार्बन का मतलब कि ये भी काफ़ी इसमें 60 कार्बन एक साथ लिंक्ड रहते हैं, ठीक है, काफ़ी एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर और स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का, जिसे हम लोग फुलेरिन बोलते हैं, और ये प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। आपसे कहीं क्विजेज में या फिर कहीं भी पूछा जा सकता है कि प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या, तो वो फुलेरिन होते हैं, ठीक है। नेचुरल ऑकरिंग फुलेरिन जो होता है फ्रेंड्स वो शूट में पाया जाता है, शूट प्लांट की शूट में, ठीक है। इट कंजेस सिक्स कार्बन से मतलब बनते हैं, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होती है फ्रेंड्स, ये उसको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर देती है, सॉकर बॉल आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे करके वो रहता है, तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। चेन ब्रांचेज एंड रिंग्स, ये हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, उसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का फ्रेंड्स पहले मैं बता देता हूँ, ऐसे कार्बन जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन मतलब कि अपना बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ना है, कुछ कुछ जगह पर आपको हैलोजेंस भी दिखेंगे लेकिन हाइड्रोकार्बन हमारा मेन है यहाँ पर, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्रेंड्स वो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे कि CH4 जो हमारा है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं सब कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, एक दूसरे से। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स बोलते हैं, ठीक है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये फार्मूला फ्रेंड्स काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस आगे आपको इसका यूज़ पता चलेगा। जैसे कि आप से पूछा जा सकता है कि मतलब मान लीजिए कि आपको बताना है कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें चार कार्बन है, तो आप n में अगर चार पुट करिएगा तो C4 आएगा H2n, तो 2 × 4 हमारा हो गया 8+2, तो C4H10। तो ऐसे आप कार्बन के मतलब कि निकाल सकते हैं हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, अल्केन्स में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, या फिर आप सीधे बात समझिए ऐसे कार्बन आइटम जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं उनको अल्कीन्स बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है अल्कीन्स, ठीक है। और जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यहाँ पर CnH2n होगा, यहाँ पर +2 था तो +2 अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर N234 वही नंबर से। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं उन्हें अल्काइन्स कहते हैं, ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला था CnH2n-2, ठीक है, तीनों का फार्मूला आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें चेन रिंग्स और ब्रांचेस के, ठीक है, तो कार्बन जो होता है फ्रेंड्स वो तीनों के शेप में बनाता है, ठीक है। देखिए ये पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, कार्बन की, और ये ब्रांच चेन है, ठीक है। ब्रांच में क्या होता है कि जैसे कि आप अगर इस ये जो कार्बन है आप इसको यहाँ से नीचे लटका दीजिएगा और फिर यही वाला ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करिएगा तो ये ब्रांच हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए तीन कार्बन मतलब हमारा स्ट्रेट चेन है तीन कार्बन का, यहाँ पर इस कार्बन को हमने ऊपर कर दिया है, ठीक है, इससे ब्रांच चेन बनती है, ठीक है, ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन, ठीक है। और रिंग्स भी बन सकती है, देखिए यहाँ पर जैसे रिंग्स पे साइक्लोपेन यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक मतलब सर्कल में, तो इसको हम लोग रिंग्स के शेप में बोल सकते हैं। तो यही तीन तरह के ही स्ट्रक्चर्स बनते हैं फ्रेंड्स कार्बन से, या तो स्ट्रेट चेन होगी, या तो ब्रांच चेन होगी, या तो रिंग्स होंगे।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं किसको, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला अगर आप इसको देखिएगा तो इस सेम है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन, टोटल कार्बन यहाँ पर पाँच, यहाँ पर टोटल कार्बन पाँच है, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं देखिए यहाँ पर 3, 2, 5, 2, 7, 2, 8 और 3, 11, तो C5H11 है। और एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ये H3, 5, 7, 9, 3, 12, ये सॉरी फ्रेंड्स ये 12 है, देखिए ये 12। और यहाँ पर भी आप अगर इसको भी काउंट करिएगा ना तो ये C5H12 ही होगा, ठीक है, C5H12। तो दोनों के फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अलग है। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये स्ट्रेट चेन ही है लेकिन ये ब्रांच कर दिया है इन्होंने, ठीक है, तो यही है। तो इसे आइसोमरिज्म बोलते हैं इस फेनोमेनन को, ठीक है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें एटम्स की अलग होती है, बस आइसोमर्स में यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक मतलब कि इसमें से स्मेल आती है, ठीक है, ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस होता है, पंजेंट ऑर्डर होती है, मतलब इसमें ऑर्डर भी होती है, फ्लेमेबल होता है फ्रेंड्स, और वॉलेटाइल होता है, मतलब कि आप इसे खुले में छोड़ दीजिए टूट जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, तो साइक्लिक होता है, ठीक है, और जिसमें उसका फार्मूला होता है C6H6, ठीक है, और जो इसमें इसमें तीन डबल बॉन्ड्स है फ्रेंड्स और तीन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि देखिए, जैसे पहला तो इसमें 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और तीन डबल बॉन्ड्स, 1, 2 और 3, और तीन सिंगल बॉन्ड्स, 1, 2, 3, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर भी लिंक्ड है, ठीक। तो यहाँ पर रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कार्बन कंपाउंड, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और नोमेनक्लेचर उनका नाम कैसे रखते हैं। तो पहले फ्रेंड्स फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब हम लोग किसी कार्बन के कंपाउंड में प्रेजेंट करते हैं उनको, तो वो कुछ स्पेशल फिजिकल और केमिकल, स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस कार्बन कंपाउंड को देते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस कि उनकी लेंथ और नेचर क्या है कार्बन चेन का, ठीक है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि OH हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये COOH हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे, मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर, पहला हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप, और ये जो एरो है ना फ्रेंड्स, इस एरो के जो इधर, ये मतलब कि कुछ नहीं दिया गया, तो इस एरो के इधर अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे कि आपने मीथेन लिया CH4, ठीक है, तो CH4 में से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पर रहा आपका CH3, ठीक है, तो उसमें अभी एक हाइड्रोजन की जगह खाली है, ठीक है, तो वहाँ पर एक अब कुछ भी एटम आके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसमें आ जाता है आपका OH, ठीक है, तो इसमें OH आ गया, ठीक है, तो ये आपका बन गया मिथेनॉइक मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हम लोग इसका नाम, मैंने इसको कैसे रखा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। CH3 फ्रेंड्स ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जैसे कि कोई हमारा जो मतलब कि कार्बन का कंपाउंड है, जैसे ये मीथेन था, तो उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH3 बना, तो इसका तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसीलिए इसको अल्काइल ग्रुप बोलेंगे और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये स्पेशल CH4 की फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन जब उसमें से एक हाइड्रोजन हटा और ये जब हाइड्रोक्साइल आयन आया इसमें, तो उसने इसकी पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ही बदल कर रख दिया, इसने इसको अल्कोहल बना दिया, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रेंड्स। तो यही बातें ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब बात करते हैं अल्डिहाइड ग्रुप की, अल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप ये होता है CHO, ठीक है, CHO ऐसे होता, देखिए सी और यहाँ पर डबल ओ एच, यहाँ एक कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड से दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो ये इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक है, ये अल्डिहाइड का है हमारा, अल्डिहाइड का होता है CHO, और यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप है ही, ठीक है, अल्काइल ग्रुप में CH3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो जितने भी CHO ग्रुप मतलब कि जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप CHO होता है उन्हें हम लोग अल्डिहाइड्स कहते हैं, जिसके पास OH होता है उन्हें हम लोग अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिथेनॉल, मैंने आपको बताया CH3 और OH तो मिथेनॉल, वैसे इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है,
ऐसे ही। तो इसमें मिथेनल आ गया, इथेनल आ गया, ये सब अल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कीटोन, कीटोन देखिए, कीटोन यहाँ पर सी कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था लेकिन यहाँ कीटोन में सिर्फ ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड रहता है कार्बन, इसको कीटोन बोलते हैं। इसके बहुत सारे होते हैं, प्रोपेनॉन होता है, ब्यूटेनॉन होता है। कार्बोक्साइलिक ग्रुप, कार्बोक्साइलिक ग्रुप फ्रेंड्स, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो कार्बोक्साइलिक ग्रुप फ्रेंड्स, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सी डबल ओ एच होता है, ठीक है, सी डबल ओ एच होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कार्बोक्साइलिक ग्रुप को ही कंटेन करते हैं फ्रेंड, तो इसीलिए उन्हें कार्बोक्साइलिक एसिड बोला जाता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब कार्बोक्साइलिक एसिड के अंदर आते हैं। और हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में ये सब कुछ नहीं होता, हैलोजन में हमारे दूसरे एलिमेंट्स आते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। अल्केन्स, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होता है, सब्सिट्यूट करते हैं, ठीक है, इनसे एक्स नंबर ऑफ, इसे मतलब एक दो तीन कितने भी हैलोजन से वो सब्सिट्यूट हो जाते हैं, इसको हैलो अल्केन्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, तो आपको इसे यहाँ पर CH3Cl है, क्लोरोमिथेन, जैसे कि हमारा जो मिथेन था CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये CH3 बना, तो ये हमारा बन गया अल्काइल ग्रुप, और इसमें एक Cl आ गया। Cl यहाँ पर हाइड्रोजन को Cl, हाइड्रोजन की जगह Cl सब्सिट्यूट हो गया तो CH3Cl बना, तो ये हैलोजन ग्रुप में आता है Cl, ठीक ना। वैसे ही इसमें आयोडीन भी, आयोडाइड भी बन सकता है, तो ये हैलोजन ग्रुप में आता है। तो ऐसे अल्केन्स को हम लोग हेलो अल्केन्स बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है ब्रोमोमीथेन या क्लोरोमीथेन। चलिए अब होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज कैसे कहते हैं। होमोलोगस सीरीज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है जिनका जनरल फार्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो और उनके जो एडजेसेंट मेंबर होते हैं डिफर करते हैं CH2 से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि CH4 है तो ये मीथेन हमारा, ठीक है। तो ये जो मीथेन होता है इसका, इसके बाद आता है आपका इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है, इसका मतलब होता है C2H6। तो कितना डिफर करें आप, मतलब C2H6 में से CH4 माइनस करिएगा तो दो कार्बन में से एक कार्बन गया तो हमारा आया एक कार्बन, और छः हाइड्रोजन में से चार हाइड्रोजन गए तो आ गया हमारा दो हाइड्रोजन, तो CH2 से ये डिफर करते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो कोई भी मेंबर होता है किसी पर्टिकुलर फैमिली का, अल्काइन हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होती है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या। सबसे पहले आता है कम्बस्चन रिएक्शन, कम्बस्चन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली बर्न करते हैं कार्बन और कार्बन कंपाइनिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स वाटर भी हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मैक्सिमम केस में वाटर भी प्रोड्यूस होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, ओके। तो आपसे पूछा जाता है कम्बस्चन रिएक्शन करवाते हैं जब हाइड्रोकार्बन का, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, आप बोलिएगा। उसके बाद फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इनकी जो फ्लेम होती है वो कैसी होती है। आप तो आपने तो आग लगा दिया वहाँ पर, फ्लेम कैसी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो क्लीन फ्लेम, मतलब साफ फ्लेम देंगे, ठीक है, कोई उसमें स्मोक नहीं रहेगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे फ्रेंड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनकी जो फ्लेम्स होगी वो स्मोकी फ्लेम होगी, ठीक है। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आप लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करिएगा तो वो भी स्मोकी फ्लेम देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की आप क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिएगा तो आपको फ्लेम भी स्मोकी मिलेगी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन का, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा आया CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप इसका यूज़ इथेनॉल पे करोगे तो ये इथेनॉल देगा आपको, इथेनॉल अल्डिहाइड ग्रुप का है, इथेनॉल डिहाइड, ठीक है, इथेनॉल डिहाइड। तो अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे इथेनॉल पे, इथेनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, आप इथेनॉल को ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, बात सेम ही है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कार्बन देखिए दो है, यहाँ पर भी देखिए दो कार्बन है, उसके बाद पांच हाइड्रोजन है, तीन दो पांच, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पांच, और OH यहाँ पर सेम है, ठीक है।
तो सेम बात है, आप उसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखिए। और जब आप उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करिए, जैसे अल्कलिन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, तो ये आपको देगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पर बेसिकली ये बात बताई जा रही है कि अगर आप इथेनॉल प्लस इथेनॉल पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे CrO3 के साथ, तो आपको इथेनॉल मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा इथेनॉल का। लेकिन जब आप वही इथेनॉल को आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें अल्कलाइन KMnO4 आता है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 आता है, तो इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर हमें इथेनॉइक एसिड देगा, ठीक है। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, और मैं आपको मिथेनॉइक एसिड का भी फॉर्मूला बताता हूँ। मिथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है HCOOH, ये एंट स्टिंग में पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है अल्कलिन KMnO4, ये अपना इथेनॉल या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये हमें देगा इथेनॉइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर CH3CHO है, ये हमारा अल्डिहाइड है, ठीक है। और अल्डिहाइड में भी आप अगर अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ अगर ऑक्सीडाइज करवाओगे इसको इथेनॉल को, तो ये भी आपको इथेनॉइक एसिड ही देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन ये कभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो एडिशन रिएक्शन, इसमें जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ठीक ना, इसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजनेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, जो नॉर्मल रेट होती है केमिकल रिएक्शन की उसको फास्ट करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज़ इसीलिए किया जाता है। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन आप इसको बोल सकते हैं, देखिए। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। और ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स कैटलिस्ट वाला, कि हाइड्रोजनेशन में कौन से कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्विजेज में आते रहते हैं। और मैं भी क्विज में गया था, तो मुझसे भी साइंस क्विज में ये पूछा गया था कि कौन से कैटलिस्ट का यूज़ होता है एडिशन रिएक्शन में, तो मैंने वहाँ पर निकल पैलेडियम बोला था, जो कि सही भी हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर C2H2 है, ठीक है, इसका मतलब ये अल्काइन है, अल्काइन प्लस हाइड्रोजन। ये अल्काइन मतलब हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये आगे C2H4, C2H4 का मतलब अल्कीन बन गया, ठीक है, C2H4 अल्कीन होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में फ्रेंड जो कि हैलोजन ग्रुप होता है हमारा, जिसके बाद हमने ऊपर की, वो वन बाई वन हाइड्रोजन को रिमूव करते जाता है हाइड्रोकार्बन में से। जैसे कि देखिए यहाँ पर CH4 है अपना मीथेन, ठीक है, तो इसमें से मीथेन में से यहाँ पर Cl2 है क्लोरीन, ये हमारा हैलोजन है, तो ये क्लोरीन इधर एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव करता है, जिससे CH3 बनता है और Cl बनता है, ठीक। तो CH3Cl क्लोरोमीथेन बना और ये HCl बना, तो यहाँ पर Cl हाइड्रोजन की जगह पर सब्सिट्यूट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की, क्योंकि ये दोनों के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज इनकी होती है, तो इसीलिए हमने इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पढ़ना। तो इथेनॉल का पहले तो ये फार्मूला होता है, और ये कलरलेस लिक्विड होता है फ्रेंड्स, जिसके पास एक प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है इसकी। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 केल्विन होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, तो 351 केल्विन। और इट इज़ मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब आप किसी भी प्रोपोर्शन में इसको ऐड करिए वाटर में, ये उसके साथ मिक्स हो गई होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास आयंस नहीं होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है लिटमस पे। इसके यूजर्स कहाँ कहाँ? एंटी फ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज जो की होते हैं ना फ्रेंड्स, उनमें जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर्स फ्रीज होते हैं, तो उनको फ्रीज होने से बचाने के लिए इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको सॉल्वेंट के जैसा भी यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, डाइज, मेडिसिन, सोप्स, सिंथेटिक रबर्स में इसको सॉल्वेंट के जैसे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एज अ सॉल्वेंट इससे टिंचर आयोडीन भी प्रिपेयर किया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको कभी कुछ वॉन्ड्स लगी होंगी, तो उसमें टिंचर आयोडीन का यूज़ किया जाता है, इसमें भी इथेनॉल का यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के, ठीक है। तो अल्कोहल ह्यूमन बींग्स को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इथेनॉल जब हम लोग मिक्स करते हैं CH3OH के साथ, CH3OH हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल, ये हो गया हमारा मिथेनॉल, ठीक। तो इथेनॉल को अगर हम लोग मिथेनॉल के साथ ऐड करेंगे तो, और इसको कंजम्पशन जो इसका हम लोग मतलब कंज्यूम करेंगे, तो ये सीरियस पॉइजनिंग मतलब काफ़ी जहरीला हो सकता है फ्रेंड्स। और लॉस ऑफ आईसाइट,
आपकी आईसाइट को भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। कंजप्शन नहीं करना चाहिए दोनों को मिक्स करके, तो बिल्कुल नहीं। तो इट काउज एडिक्शन, इससे आपको लत भी लग सकती है जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है और डैमेजेस द लीवर एंड इफ टेकन इन एक्सेस। और अगर आप इसको एक्सेस में लोगे, ज़्यादा लोगे, तो आपके लीवर भी डैमेज कर देगा ये। तो हाई कंजप्शन ऑफ इथेनॉल में इवन काउज डेथ, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि कभी अल्कोहल नहीं लेना, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, अब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या हम उसके प्रोडक्ट आते हैं। तो इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले तो प्रोड्यूस होती है, उसके बाद सोडियम इथोक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन पूछा जा सकता है कि अगर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स होंगे, तो हाइड्रोजन और सोडियम इथोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ये एसिडिक करेक्टर ऑफ इथेनॉल को सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा इथेनॉल, ये सोडियम, ये आ गया हमारा सोडियम इथोक्साइड। इसका फॉर्मूला जो है आप लोग नोट कर लीजिए, C2H5O- Na+H2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है फ्रेंड्स? एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विद टू सब्सटीट्यूएंट, जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं वो रिमूव किया जाता है एक मॉलिक्यूल में से, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स में, अल्किन को प्रिपेयर करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो हम लोग इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है 443 केल्विन पे, तो ये इथाइलिन देगा हम लोग को, ठीक है। इथाइलिन देगा अगर इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 डिग्री केल्विन पे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो इथाइलिन। तो दिस रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, बिकॉज इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम इथेनॉल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। कैसे होता है? तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे ये हमारा इथेनॉल है, ये आपको देता है इथाइलिन और H2O, ठीक है। इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स CH3COOH, COOH होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और CH3 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये भी वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, और अल्कोहल में भी डिजॉल्व हो सकता है और ईथर में भी डिजॉल्व हो सकता है। और ये फ्रीज भी हो जाता है फ्रेंड्स कोल्ड क्लाइमेट में, इसीलिए, और जब ये फ्रीज होता है इसका नाम ग्लेशियल एसिडिक एसिड रखा जाता है, ठीक है। अगर ये मतलब विंटर सीजन मतलब कोल्ड क्लाइमेट में अगर आप इसको रखेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। स्टरीफिकेशन, तो ये इस पूरे चैप्टर का एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें भी स्मॉल क्वांटिटी रहती है सल्फ्यूरिक एसिड की, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की स्मॉल क्वांटिटी रहती है। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनता है, ईस्टर इसका प्रोडक्ट है, स्वीट स्मेलिंग होता है, तो इसीलिए इसका यूज़ परफ्यूम्स बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो ईस्टर फॉर्मेशन होता है तो इसीलिए इसको ईस्टरफिकेशन वोकेशन। तो देखिए इसका जो ये रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। नहीं, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक यहाँ पर ये आर्गन डिनोट कर रहा है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मेथ हो सकता है, ईथ हो सकता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, कुछ भी। और ये R2OH और अल्कोहल भी किसी का भी रह सकता है, मिथेनॉल रह सकता है, इथेनॉल रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम लोगों को देता है, हम लोगों ने जो अल्काइल ग्रुप लिया वो यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो ईस्टर का फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन डबल, यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से कंबाइंड रहता है और H2O भी फॉर्म होती है, ठीक है। When ethanol react with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, ethyl ethanoate and water is formed. और जब हम लोग इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इतना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इथाइल इथेनॉइड बनेगा। तो इथाइल इथेनॉइड ही ईस्टर, ईस्टर का दूसरा नाम ही इथाइल इथेनॉइड है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और वाटर फॉर्म होगा, देखिए ये हमारा CH3COOH C2H5, ठीक है। ये हमारा हुआ इथेनॉल और ये हमारा हुआ इथेनॉइक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर बना ईस्टर। तो ये आप ईस्टर का फॉर्मूला है जो कि इथाइल का ईस्टर है, ठीक ना, इसीलिए इसको इथाइल इथेनॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए इथाइल इथेनॉइड का, और यहाँ पर वाटर भी फॉर्म हो रहा है, ओके। अब देखते फ्रेंड्स सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन किसको बोलते हैं?
तो सोप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन में होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोप मॉलिक्यूल RCONA, तो जैसे कि COH होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसमें से एक H रिमूव होता है और यहाँ पर NA आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर NA आ गया और ये जो R है ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब वो R ये फिक्स नहीं रहता, इसके जगह कुछ भी हो सकता है, और ये हमारा रहा फंक्शनल ग्रुप सोप का, ठीक है। वेयर R इज इक्वल टू नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, नॉन आयोनिक है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स फैट्स ये सब जो रहते हैं, अगर आपके क्लॉथ्स में गिर जाता है और आप उन क्लॉथ्स को साफ करते हो, धोते हो, तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट होती है, ठीक है, यहाँ पर सोप और ग्लाइसरॉल फॉर्म होते हैं। इसी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट को हम लोग सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए ट्राइग्लाइसराइड है, फैट है, मतलब हमारा फैट, और ये बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सेपोनिफिकेशन होता है यहाँ, तो ग्लाइसरॉल और क्रूड सोप बनता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये ट्राइग्लाइसराइड है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे तीन ग्लिसरीन दिए गए। अब रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ मेटल एंड बेसिस, इथेनोइक एसिड मेटल और बेसिस सब कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो फ्रेंड इथेनोइक एसिड है, ठीक है, तो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, जैसे सोडियम जिंक मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होनी है। यहाँ पर देखिए इथेनोइक एसिड NaCH3CONa प्लस H2, ठीक है, तो ये हमारा एक सोडियम सॉल्ट बना। इट रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड वाटर CH3COOH, इससे हमारा बना CH3CONa+H2O। अच्छा, ठीक है, सोडियम इथेनोइड बनता है अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे इथेनोइक एसिड को, और यहाँ पर इथेनोइक एसिड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, और CO2 गैस का यहाँ इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाओगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो CO2 गैस इवॉल्व होती है। कैसे, यहाँ पर देखिए इथेनोइक एसिड, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये सोडियम इथेनोएट का फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, सोडियम इथेनोएट, ये वाटर CO2, यहाँ पर भी फ्रेंड्स इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम इथेनोएट H2O CO2, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप से आप कैसे अपने फैब्रिक्स को क्लीन करते हो वहाँ यहाँ ये बताएगा आपको। तो जब आप सोप को वाटर में ऐड करते हो तो सोप मॉलिक्यूल्स यूनिकली ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक ना, और एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं जिसको मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स का शेप कैसा होता है ये देखो, ये जो आपको शेप दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये मिसेल्स है, ठीक है, इसमें इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसको टेल भी बोलते हैं, तो ये जो ऐसे ऐसे है ना फ्रेंड्स, तो ये वाला हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिसको टेल ही बोलता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो कि हाइड्रो से मतलब वाटर से डरता है, तो इसीलिए वो अंदर की साइड है, देखिए ये अंदर की साइड है, ठीक ना। और जो इसका सोप होता है तो ये जो साइड होता है फ्रेंड्स, ये डर्ट और ऑयल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक ना। तो जैसे कि ये देखिए जो टेल्स हैं ये ऑयल से चिपकी हुई है, ठीक है। और जो इसका पोलर हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब उसको वाटर से डरने लगता है, ठीक है, तो उसका जो हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है वो बाहर रहता है, ठीक ना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन में, वाटर मॉलिक्यूल के उसका हेड होता है, और जो टेल होता है वाटर के इंटरेक्शन में नहीं होता, वो ऑयल या डर्ट के इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और आप अगर स्क्रबिंग करते हो अपने फैब्रिक्स की सोप लगाने के बाद, तो जो मिसेल्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, फैब्रिक से, और यही मिसेल्स के फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ये क्लॉथ अभी डर्टी था, यहाँ से आपने इसको रगड़ा, रगड़ने के बाद ये बाहर आ गया, ठीक है, ऐसे ही आपके क्लॉथ साफ होते हैं। अब हार्ड वाटर के बारे में बात करते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है, तो हार्ड वाटर जो होता है फ्रेंड्स, उसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, या तो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होंगे, या तो क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे, या तो सल्फेट्स के फॉर्म में होंगे। तो यही जो होते हैं वाटर को हार्ड बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर को हार्ड कौन कौन से सॉल्ट बनाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट वाटर को हार्ड बनाते हैं। तो
तो अगर हम लोग सोप को ऐड करते हैं हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, और इनसॉल्यूबल कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम का बनता है, ठीक ना, फैटी एसिड का। यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेंगे सोप के साथ तो एक इनसॉल्यूबल कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बनते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं बताता हूँ, ये देखिए ये हमारा सोप है, इसका नाम है कैल्शियम स्टीयरेट, ठीक है ना। इसका आपने आपको लिख लीजिए आप इसका फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी वही है कैल्शियम स्टीयरेट, स्टीयरेट आप कैसे बता सकते हैं C17 है, ठीक। तो ये जब आप इन जो प्रेसिपिटेट बने आप इनको धोते हो तो, ठीक ना, तो ये सोप की क्लीनिंग एबिलिटी में इंटरफेयर करते हैं, और इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ेगा वह हार्ड वाटर में अपने कपड़ों को धोने के लिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ना कि आप सीज और ओशन में कपड़े साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी उसमें झाग ही नहीं होता और काफ़ी सोप वेस्ट भी हो जाएगा, तो ठीक है। तो हार्ड वाटर का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने फैब्रिक्स को साफ करने के लिए करने के, ठीक है। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म होती है, मैंने इसमें आपको पूरा कार्बन एंड कंपाउंड समझा दिया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एक ब्रीफ में नोमेनक्लेचर नहीं किया, जैसे कि मीथेन, मतलब किसको बोलते हैं, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइल अल्कोहल, कीटोन, ब्यूटेन, ये सब के बारे में मैंने आपको इसमें ब्रीफ में नहीं बताया। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा फ्रेंड्स कि एक ब्रीफ डिटेल लाऊँ इस पूरे नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।